चुपचाप खड़े रहना। सर मध्य प्रदेश में खराब स्थिति चल रही कोरोना का लेकर के आप पूरे प्रदेश में मदद करते फिर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा खराब हालत पूरे देश में है। यहाँ तो सब जो आंकड़े हैं दबाए जा रहे हैं, छिपाए जा रहे हैं, इससे कोविड दूर नहीं होने वाला। 3 महीने से सब जानते थे सेकेंड वेव आएगा, दूसरा वेव आने वाला है। पूरे विश्व की तैयारी करी, खाली भारत ही ऐसा देश था, और शर्म की बात है कोई तैयारी नहीं। सर वैक्सीन नहीं है और आज से वैक्सीन चालू हो रही, सिर्फ 100 लोगों को दे रहे हैं सर। ये वैक्सीन भी नारा घोषणा उनको 18 इन्होंने अनाउंस करी चुनाव के समय, तो ताकि 18 साल 20 साल 25 साल वालों की वोट मिल जाए। ये भी एक वोट का खेल था। सातों के सातों विधायक और सांसद कांग्रेस के हैं, पर मध्य प्रदेश में ये एक ही ज़िला है जहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये पूरा ज़िला गवाह है। सर हनुमान जी में आपकी बहुत आस्था है। मैंने हनुमान जी से आज प्रार्थना करी है अपने छिंदवाड़ा वासियों और प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य उनके सुख के लिए मैंने प्रार्थना करी है। पत्रकारों के लिए आपने सवाल उठाया। मैंने सवाल उठाया और आप हमेशा से लड़ाई करते हैं, लेकिन कमलनाथ जी सिर्फ अधिमान्यता पत्रकारों को लाभ मिल रहा है, बाकी पत्रकारों के लिए आपको उम्मीद है कि आप एक बार नहीं वो भी मैं उठाऊंगा, पर आज लोगों का भरोसा सरकार पर नहीं है, ईश्वर पर है। ये बड़ी दुख की बात है, पूरे विश्व में ऐसी स्थिति नहीं है। और मैंने जो छिंदवाड़ा में रिव्यू किया है, यहाँ अभी तक बहुत कमी है, इसकी पूर्ति के लिए मैंने संबंधित अधिकारी से अभी भोपाल में बात भी करी है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा कि यहाँ की टेस्टिंग का कोटा बढ़ाएँ। अगर पूरी टेस्टिंग नहीं होती तो जिसको इन्फेक्शन है वो दूसरों को दे देता है, जब टेस्टिंग होती है सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता अगर वो पॉजिटिव हुए वो दूसरों को इन्फेक्शन दे देता है। वैक्सीन की कमी है, ये तो घोषणाएं करते हैं कि इतने लाखों का होगा, पर वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन पहुंच नहीं रहा और ऐलान कर रहे हैं। ये घोषणाओं की, ये ऐलान की राजनीति से कोविड जाने वाला नहीं है।